अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो मेरी खजूर या खजूर के फार्मर के लिए है कि उनको वो क्या ऐसी प्रैक्टिस करके अपनी खजूर की जो प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि नराई का अमल मुकम्मल हो चुका है और खजूर जो है अपनी फ्रूटिंग पर जो है आ रही आस्ता आस्ता, और कहीं कहीं पर जो है उसके ऊपर छोटा छोटा फ्रूट लगना भी स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ये मार्च का महीना है और इसके अंदर जो खजूर का पौधा है वो जितना ज़्यादा आप उसको जो है उसकी केयर करेंगे, ख्याल करेंगे, उतना ज़्यादा वो फ्रूट देगा। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो फ्रूट या तो गिरा देगा या फिर उसके ऊपर फ्रूट कम होगा, जो कि आप का जो है उसमें लॉस हो सकता है। दोस्तों आपने इस महीने में एक चीज़ का ख्याल करना है, वो ये है कि आपने खजूर की एक तो जो बेसन है उसका उसकी प्रॉपर ख्याल रखना है, उसको साफ़ सुथरा रखना है। उसके साथ साथ उसको आपने फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपका खजूर का दरख्त जो है पूरा है, मैच्योर है, तो उसको आपने कम से कम एक किलो आपने उसको फर्टिलाइज़र देना है, खाद देना है, जो कि NPK होना चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। और अगर उसमें आप मैग्नीशियम भी आप अलग से उसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपने उसको NPK फर्टिलाइज़र ज़रूर इस महीने के अंदर देना है, ताकि आपका जो खजूर का पौधा है वो ना तो फ्रूट गिराए और उसके साथ साथ अपना जो उसके ऊपर फ्रूट लगना है वो भी ज़्यादा तादाद में लगे, उसके जो डोके हैं वो बड़े हों, और आपका उसमें जो है जो लोग कारोबार करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर वो इसमें कमाई हासिल कर सकें। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आपने ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। खजूर का बेसन छल्ला साफ़ करना है, उसकी सफाई वगैरह करके, गोडी करके, उसके अंदर 1 किलो NPK खाद अभी आपने ज़रूर डालना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको उसका कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों इसके अलावा खजूर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी वीडियो क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।